हेलो एवरीवन, मीनास किचन में आज बनने जा रही है एकदम डिलीशियस और नई रेसिपी जो आपने कहीं भी देखी नहीं होगी और घर के ही सामान से ये बनके तैयार होती है। तो इधर उधर आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने नारियल लिया है, उसकी में जो ब्राउन कलर का पार्ट होता है ना, वो निकाल के इसके छोटे छोटे पीस करके तैयार कर लेती हूँ। पहले इसको एक मिक्सर जार में डाल देते हैं और इसका एक पेस्ट तैयार करते हैं। इसमें पानी वगैरह कुछ भी नहीं डालना है और आप देख सकते हैं ऐसा दरदरा पेस्ट ही हमें चाहिए। तो एक बॉल में मैंने एक कप रवा लिया है, सूजी लिया है, कोई भी सूजी आप ले सकते हो, और ये 3 टेबलस्पून जो नारियल का बुरादा है वो डाला है। 1 कप दूध अभी डालते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो दूध की रिक्वायरमेंट हमें जितनी चाहिए उतनी हम डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1.5 कप दूध यूज़ किया है, थोड़ा थोड़ा करके मैं डाल देती हूँ। और इसका पेस्ट जो है वो बैटर जो है वो हमें एकदम पतला नहीं कर देना है, थोड़ा ठीक रखना है। इसको ढक के हम 15 से 20 मिनट रख देते हैं। अभी चाशनी तैयार कर देते हैं। तो एक पैन में मैंने यहाँ 1.5 कप चीनी ली है और उतना ही पानी लगेगा, और गैस को चालू कर देते हैं और चीनी को एकदम अच्छे से घुलने देते हैं, बीच बीच में चम्मच से चला देते हैं। तो आप देख सकते हैं चीनी जो है वो एकदम अच्छे से घुल गई है और अभी चाशनी बनके तैयार नहीं हुई है। तो वही टाइम पे अभी ये बुलबुले आ रहे हैं, तभी हम इसके अंदर 1/2 टीस्पून यहाँ पे इलायची पाउडर डाल देते, 1 नींबू का मैंने छिलका डाला है छोटा सा, थोड़ा सा केसर डाला है, इसको अच्छे से मिला देंगे। और यहाँ पे मैं रेड फूड कलर डाल रही हूँ 2 से 3 ड्रॉप पर। आप बिना फूड कलर के इजीली बना सकते हैं, वो भी बहुत ही टेस्टी लगता है। तो हमें एक तार नहीं लेना है, तो आप थोड़ी देर में अच्छे से उबल जाए तो इसी तरह से हाथ से चेक कर लीजिए। एकदम चिपचिपी अगर चाशनी बनके तैयार हुई हो, जैसे गुलाब जामुन है, इस तरह से चाशनी हमें चाहिए। इसको ठंडा करने के लिए साइड में रख दीजिए। अभी आते हैं बैटर की ओर। तो यहाँ पे बैटर हमारा 15 से 20 मिनट हो गई है, दूध पूरा सोख लिया है। तो 1/2 कप दूध में ये दूध मैंने इतना बचा लिया था, पूरा नहीं डाला था। इसके अंदर 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पे बेकिंग पाउडर डाला है। फ्रेंड्स सुनिए, बेकिंग सोडा नहीं डालना है, बेकिंग पाउडर डालना है। तो ये घोल में इसके अंदर डाल देती हूँ। 1 चम्मच घी डाल देते हैं, देसी घी, और इसको अच्छे से मिक्स कर देते हल्के हाथों से। और बैटर देखिए आप इस तरह से गिरने वाला होना चाहिए। अभी अपम पैन ले लेते हैं, उसके अंदर थोड़ा थोड़ा सारे सांचे में घी डाल देते हैं। इसको पहले अच्छे से गर्म कर लेते हैं। इसके बाद ये जो बैटर है वो चम्मच से हम पोर करेंगे, पर बैटर एकदम ऊपर आ जाए ऐसे पोर नहीं करना है आपको, एकदम सांचे में अंदर बैठा रहे इस तरह से पोर कर दीजिए। तो सारे सांचे इस तरह से भर दीजिए। तो बैटर आप देख सकते हैं आसानी से भरा भी जा रहा है और एकदम थिक भी नहीं है, इस तरह सा बैटर चाहिए हमें। इसको ढक देते हैं और 2 से 3 मिनट एक साइड से पका लेते हैं। 3 मिनट के बाद पलट के देख लेते हैं और इसके ऊपर थोड़ा सा वापस घी डाल देते हैं। इसके बाद इसको भी ढक के 2 से 3 मिनट पका लेते हैं। तो ये हमारे जो स्वीट अपम है वो बनके तैयार है। आप देख सकते हैं दोनों साइड से डिज़ाइन बहुत ही अच्छी गिरी है। इसको हम एक डिश में निकाल लेते हैं। यहाँ पे मैंने 1 कप सूजी से इतने सारे स्वीट अपम बनके तैयार हो गए हैं। अभी एक बॉल ले लेते हैं, उसके अंदर हम इस तरह से अपम को रख देते हैं और इसके ऊपर जो हमने शुगर सिरप बनाया था वो सिरप डाल देते हैं। और फ्रेंड्स देखने में तो ये डिलीशियस लगता ही है, पर खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ये सारा शुगर सिरप मैंने इसमें डाल दिया है और इसको ढक के 1/2 घंटा से 1 घंटा हम इसको सोक करने के लिए रख देंगे। आप 2 घंटे भी पहले बना के रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने 1 घंटा रखा है और इसको शुगर सिरप में से निकाल रही हूँ एक प्लेट में। तो आप देख सकते हैं कितना देखने में लाजवाब लग रहा है और खाने में भी एकदम सॉफ्ट और डिलीशियस लगता है।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।